भगवान कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग विद बबता चैनल में आप सभी का स्वागत है। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे तो ये चेंज करना था। हेलो जी, हेलो माय, हेलो वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका हमारे चैनल पे और आप सभी का स्वागत है। तो आज है सोमवार और आज मेरा चौथा व्रत है, मतलब चौथा मेरा फास्ट है। तो मैंने पहन रखा ही है ग्रीन कलर की साड़ियाँ और मेरा फास्ट है। मैंने वहाँ पे देखिए फ़ैन चला के आई हूँ और यहाँ पे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, तो चलिए आप वहीं पे बातें कर गई हैं। अभी मैं नहा वहा ली हूँ, सारा काम ख़त्म हो गया है, दूध भी रखी हूँ, कढ़ाई वढ़ाई वहाँ फैली है, सब चीज़ समेटना है, भगवान जी की पूजा करना है, भगवान जी को स्नान कराना है। मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और थोड़ा सा हल्का से कंघी से ऐसे बाल को सुलझा लिया है, पूरा नहीं हल्का से। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी मेकअप कर ली हूँ और आ गई हूँ किचन में। जा रही थी पूजा करने और आज मैंने ये वाली साड़ी पहन रखी है, तो मैं पूजा करने जा रही थी तो मैंने सोचा पहले मैं किचन में आ जाती हूँ, मैं आलू रख देती हूँ क्योंकि आज है सोमवार यानी मंडे। तो पहले तो फैन चला लूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे फ़ैन चला ली हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ किचन साफ़ करके पहले यहाँ पे आलू रख दूँ, फिर मैं पूजा करती रहूँगी। जब तक मैं पूजा करके उठूँगी तब तक आलू जो है बॉयल हो जाएगा। तो उसके लिए आलू उबालना कठिन नहीं है, आलू को ले आएंगे, उसको रखेंगे, पहले तो किचन साफ़ करें। कुकर में रखना है मुझे आलू बॉयल करना। और मैं एक चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ यार, जानते हैं क्यों, जाने दीजिए नहीं बताऊँगी, तो बस यहाँ पे नहीं बताऊँगी। और यहाँ पे आज हाँ मैंने दियाली मंगाया था तो दादा आए थे तो मैंने बोला था उनसे तो लेके आए थे, तो यहाँ पे ये 50 रुपये की दियाली है, बता रहे थे कि 100 दियाली है और होगी। और मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ आलू, तो पहले तो आलू निकाल लूँ। और ये मेरी फ्रिज ना जो है भरी हुई है, अरे यार इसको तो ऐसे निकालना पूरा मुश्किल है, कुकर ले बताएं पूरी पॉलीथीन निकालती ना तो फिर दिक्कत होती, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही निकाल लेती हूँ। और ज़्यादा आलू उबालूँगी ना तो बच्चे के लिए सब्जी उब्जी भी बन जाएगी। और ये देखिए फ्रिज मेरी पूरी भरी है और गंदी भी हो गई है, और मैंने आज करेले कट करके रख दिए हैं, अब देखिए शाम को क्या बनता है। तो बस मैंने यहाँ पे इतना आलू लिया है मैं ले लूँगी और बच्चों के लिए खाने होने के लिए जैसे सब्जी वगैरह या आलू की कचौड़ी वचौड़ी कुछ भी हो गया। तो मैं आलू लेके आ गई हूँ और पहले तो आलू को वॉश कर लूँ अच्छे से, इसको धुल लूँ जो मिट्टी वगैरह जो है इसका हट जाए। और यहाँ पे अभी मुझे जो है किचन साफ़ करना है, पहले तो मेरा जो आलू लेके आई फिर लगा कि हाँ आलू धुल लूँ, फिर याद आया कि यार अभी तो मैंने किचन साफ़ किया ही नहीं है। और यहाँ पर मैं लगा दूँगी ढक्कन और कुकर बंद करने के बाद मैं लग जाऊंगी किचन साफ़ करने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे किचन साफ़ करूंगी। रेड कलर जो कुकर रखा है ना इसमें रखे हैं, मतलब सुबह मैंने चावल बनाया था तो हस्बैंड को दे रही थी कि आप भी खा लीजिए, तो हस्बैंड कह रहे नहीं मैं रोटी सब्जी खाऊंगा, तो वो रोटी सब्जी खा के गए हैं। और शाम का बना हुआ था पनीर, तो बच्चों के लिए मैंने पनीर रखा है। तो मैंने दाल आज दोपहर में नहीं बनाया है दोपहर के खाने में। और यहाँ पे ये जो है एक तरफ मैं चूल्हा जो है साफ़ कर रही हूँ, दूसरी तरफ चावल को हटा के भी मुझे साफ़ कर देना है। अभी देखिए मेरा बाल जो है गीला गीला सा है ना, तो बस यहाँ पे हम साफ़ कर देंगे दोनों साइड में चूल्हा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ पूजा करने से जब मैं पूजा करके उठूँ ना तो आलू जो है बॉयल हो जाए और फिर मुझे भूख बहुत ज़ोरों की लग जाती है पूजा करने के बाद, फिर समझ में नहीं आता यार कि मैं क्या करूँ। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ तो दिमाग खर्च करना पड़ेगा ना, दिमाग लगाया मैंने कि नहीं पूजा करूँगी, जब तक मेरा पूजा होगा तब तक मेरा जो है आलू आराम से पक जाएगा। तो बस मैं लग गई हूँ किचन में, तो फाइनली मैंने आलू रख दिया है बॉयल होने के लिए। जब तक ये बॉयल हो
होगा, तब तक मेरी पूजा जो है हो जाएगी। तो चलिए पहले तो हम चला लेते हैं फ़ैन और लाइट दोनों, क्योंकि बिना फ़ैन के तो हम पूजा कर ही नहीं पाएंगे। सच में बता रहे हैं कि अगर फ़ैन ना होता तो शायद है कि आदमी कैसे ज़िंदा रहता इतनी गर्मी में। अभी आप देख लीजिए कि बाहर मेरे कितनी धूप है, बहुत ही ज़्यादा धूप है। और मैंने झाड़ू पोछा डस्टिंग सारा चीज़ कर लिया है, फिनिश कर दिया है। और ये देखिए, और वहाँ पे वो टब दिख रहा है ना, उसको मैंने धुला है, उसमें चावल फटक के रखना है। तो पहले तो मैं ये छोटी सी गिलास लूँगी, इसमें रखूँगी दूध, शंकर जी को स्नान भी कराऊँगी और उसके बाद मैं रखूँगी, शाम को जाऊँगी जल चढ़ाने, मतलब भोलेनाथ के मंदिर में। तो यहाँ पे प्लेट में हम चल रहे हैं भोलेनाथ को नहलाने हैं, और उसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे थोड़ा सा। और हस्बैंड पूजा कर चुके हैं, मैं ही बची हूँ, और से अभी हाथ जोड़ ली है। तो पहले तो मैं जल भर लूँ लोटे में। बताए अपना मन भी नहीं लग रहा है पूजा करने में, जानते हैं क्यों, जब लेट हो जाते हैं ना फिर दिक्कत होती है, भेजते भेजते इतना टाइम हो ही जाता है। तो कहते हैं कि पीतल के बर्तन में वो नहीं रखा जाता, दूध जैसे कसा जाता है और वो धीरे धीरे करके जहर बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे इतना दूध रखा है और भोलेनाथ को भी चढ़ा दूँगी, और उसके बाद ना चाय के लिए गर्म करूँगी साफ से। तो अभी मैं इसको ऐसे ढक दे रही हूँ। कहते हैं भोलेनाथ को भगवान के जिस चाहे गंगा जी को जिस को भी चढ़ाइए तो कच्चा दूध चढ़ता है। तो बस वैसे तो मैं गिलास में रखती, लेकिन गिलास में नहीं रखूँगी। और आप यहाँ पे देख लीजिए भगवान जी का बर्तन, जो कि मैंने रात में धुल दिया था, कुछ बर्तन सुबह में धुला था। तो अभी फ़िलहाल पहले भगवान जी को स्नान करा देती हूँ, मंदिर की साफ़ सफाई कर देती हूँ, तब फिर आपसे बात करती हूँ। जय माँ। तो भगवान जी को मैं इस तरह से कुछ नहलाऊंगी और उसके बाद हम एक एक करके भगवान जी को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जो सिंदूर वगैरह लगा रहता ना, तो भगवान जी के पहले तो हम सिंदूर वगैरह पोंछ दूँगी। जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो बस यहाँ पे सारे भगवान जी को अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी और फिर मंदिर की साफ़ सफाई कर दूँगी। और वैसे कहते हैं ना, भूखे पेट भजन नहीं होता है, सही बात है। और जब पेट में भूख लग जाती है ना, तो फिर भजन नहीं करने का मन करता है। तो अब उसके बाद हम यहाँ पे मंदिर की साफ़ सफाई, कुछ कपड़े मतलब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ और थोड़ा सा गीला करी हूँ, क्योंकि लकड़ी है, ज़्यादा गीला नहीं करूँगी। उसके बाद मैं मंदिर की साफ़ सफाई कुछ इस तरह से कर लेती हूँ, और उसके बाद हमारा जो है धीरे धीरे काम जो है ख़त्म होता है। चाहे भी कोई भी काम हो, चाहे मंदिर की साफ़ सफाई हो, चाहे घर की साफ़ सफाई हो, अगर एक बार आप स्टार्ट कर देते हो तो फिर धीरे धीरे ख़त्म होता ही है। चाहे भले ही आप लास्ट करते करते एकदम थकी क्यों ना जाओ। तो ये है मंडे का जो है ब्लॉग, जो मैंने आपके साथ शेयर करने रही हूँ। सोमवार की फास्ट और पूजा, साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ पे देख लीजिए कि मंदिर की साफ़ सफाई जो है धीरे धीरे हो गई है। और जब तक हम मंदिर की साफ़ सफाई नहीं करते हो, तब तक वगैरह हटा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं माधव जी को स्नान कराऊँगी। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो पहले तो मैं पानी से स्नान कराने के बाद इनको फिर यहाँ पे हम अच्छे से इनको साफ़ कर लूँ हाथ से। और ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम इन्हें एक अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। स्नान करा दिया है, आलू जो रखी थी ना वो बॉयल हो चुका है। अब देखिए सीटी जो है बज रही है, देख रहे हैं। अब इसको पहले तो हम बंद कर दें। देखिए यही होता है, अगर थोड़ा सा दिमाग ना लगाती तो फिर ये दिक्कत होता, फिर ना पूजा करके आने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाते। इसको बंद कर देती हूँ, अब ये पकेगा। निशितम नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च शखा तमेव तमेव विद्याधरणम तमेव तमेव शरणम मम देवदेवा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वन रऊ रघु
दीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहूं हरऊं कलेश विकार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। लाल देही लाली लसे अरु धरु लाल लंगूर, ब्रज देही दानव दले जय 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 कपीशूर। ओम भूर्भुवस् तस्वितुर्बडेरियम भर्गो देवस् धीमहि धियो योनि प्रचोदया। नीलांबुजिश्याम कोमलांगम शीताशमारोपितमाम भागम, पाणो महासाय चारु चापम नमामि रामम। पूजा हो गया है और अब मैं जा रही हूँ छत पे जल चढ़ाने, तो आप लोगों को वहाँ पे नहीं ले जाऊँगी। और धूप भी तेज है और फिर मोबाइल लेके जाना, फिर कपड़े लेके जाना, तो संभव बहुत कम हो पाता है। बहुत दिक्कत होती, बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। और इसके बाद ये वीडियो जो है कंप्लीट होती है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि बड़ा मेहनत करने के बाद आप तक वीडियो अपलोड कर पाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। और हंस क्यों रही हूँ, बस ऐसे ही मन किया, हंसी आ गई। तो कहते हैं ना, हंसना भी चाहिए, ज़रूरी है। तो बस आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हंसी आएगी ही आएगी। और जब मेहनत कर लो, और अभी पूजा कर ली हूँ, सारे काम ख़त्म कर ली हूँ, तो बस अभी मन नहीं कर रहा है कि यहाँ से उठ के चले जाएँ, कोई नाश्ता बना ले। आलू भी बॉयल हो चुका है तो पानी उसका निकालना है, और पानी निकाल दो तब चलूँ ना छत पे। अगर मैं ऐसे जाऊँगी तो फिर वो पानी पानी सा हो जाता ना। आलू वैसे भी मीठा नहीं आता, और उसके बाद वैसे अगर सब्जी बनाओ तब मीठा आएगा। तो पहले तो यहाँ पर फ़ैन ऑफ कर दूँ। तो बस यहाँ पे हम पहले पानी निकाल देंगे, और उसके बाद हम ऐसे ही कुकर को बंद कर देंगे। आलू तो कुछ कहीं कहीं लग रहा है, कहीं कहीं कम हुआ है यार, अभी क्या करूँ, आलू कम बॉईल हुआ है। पानी निकालना है, अभी हम इसे रख देना है। स्लो मौसम में इसे पकने दूंगी, क्योंकि जा रही हूँ छत पे। और बड़ी खुशी खुशी से जब ना, जब थोड़ी सी तेज़ फ्लेम में पकाओ ना, तो यही होता है। आलू देखिए छोटी मीडियम साइड में थी, तब भी आलू नहीं पकी। बेल पत्र, ये तो डस्टबिन वाला चीज़ है, यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पे दूध लिया है। तो चलिए पहले भोलेनाथ को हम स्नान जल चढ़ा दें छत पे, तो ये ले जाना मुश्किल होगा, तो फिर मैंने साथ में ऐसे कर लिया है, इस तरह से ले जाऊँगी। डाल दिए, पहले निकाल लिए हैं बकेट में, अब इसको ले जाएंगे छत पर डालेंगे, जल चढ़ाएंगे, ये सारे काम खत्म करके दबाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार विजिट करें तो